वहां मैंने देखा कि कागभुषुंड जी तन्मयता पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। वो जब पीपल के नीचे जाते हैं तो ध्यान परायण रहते हैं। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कितना सुंदर सौभाग्य दिया है, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। अपने लोगों को कौन सा मार्ग मिल गया, तजी हरि हरि भजन काज, कोई बोलो क्या जिम्मेवारी, रात दिन के जो कार्य भी है सब महाभागवतिक, तजी हरि भजन काज नहीं। वो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करते हैं, पाकर के नीचे जप भगवान नाम का, और आम की छाया में बैठकर प्रभु की मानसिक पूजा। श्री हरि के भजन को छोड़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। बरतर कह हरी कथा प्रसंगा, आवही सुनही अनेक विहंगा, राम चरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। और बरगद के नीचे वो भगवान की कथा करते हैं। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि पक्षी के रूप में आकर कथा सुनते हैं। तो जहां भगवान की चर्चा होती महाभागवत जन वहां आते हैं, गुप्त रूप से विराजमान होते हैं या प्रच्छन्न रूप धारण करके विराजमान होते हैं। प्रेम सहित आदर सहित भगवान के चरित्र का वर्णन काकभुषुंड जी करते हैं। बड़े बड़े महात्मा जन पक्षी रूप में आकर, कोई महात्मा रूप में आकर ऐसे सुनते हैं। शाम निर्मल बुद्धि वाले वहीं बसते हैं नीलगिरी में, कथा सुनने के लोग, रोज कथा सुनने को मिलेगी। और मैंने जब ये दृश्य देखा तो मेरे हृदय में बहुत आनंद हुआ। अब अगर हम शंकर रूप में महादेव के रूप में जाते तो काकभुषुंड जी खड़े हो जाएंगे, आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर हमारे सामने बोलेंगे नहीं, क्योंकि परम वैष्णव आचार्य भगवान ज्ञान समुद्र शिव विराजमान है। तब कछु काल मराल तनु धरि तहां कीन्ह निवास, सादर सुन रघुपति गुण पुनियायो कैलाश। आपके विरह में कैलाश में रहा नहीं गया, वो नीलगिरी में हमने फिर हंस रूप धारण किया और नीचे बैठकर कथा। देखो देवाधिदेव ज्ञान समुद्र भगवान को अब कौन सी जानकारी की जरूरत है, पर सत्संग का प्रभाव ऐसा है। मैं काफी समय तक वही निवास किया हंस रूप से और भगवान के चरित्र को सुना, फिर कैलाश वापस आया और तुम्हारा जन्म हिमालय पार्वती के रूप में हुआ। हे गिरिजा, जब मैंने काकभुषुंड जी से जो कथा सुनी थी, वही कथा जो तुम्हें सुनाई एक गरुण जी ने भी वहां करके सुनी थी। वहां गरुण जी के आने का कारण जो तुम पूछ रहे हो, तो जब रणलीला युद्ध लीला में भगवान को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया, भला जिनका नाम ही भवपाश से मुक्त कर सकता है तो कौन नाग है जो उनको अपने पाश में बांध सके। अनंत महिमायुक्त भगवान शास्त्र फणधारी से शैया पर शयन करते हैं, उनको कोई, पर जब रणलीला, इसीलिए लीला शब्द युद्ध लीला की, तो मेघनाद ने भगवान को नागपाश में बांध लिया। नारद मुनि गरुण जी के पास गए, गरुण जी वहां आए और प्रभु को ऐसी विपत्ति में देखा, संशय हो जाता है। ऐसी गरुण जी को भी लगा कि भगवान नागपाश में कैसे भगवान हो सकते हैं, नागपाश इन्हें ऐसे दुख में हो, मैं उनको दुख से मुक्त करूं। बंधन तो काटा पर हृदय में संशय उत्पन्न हो गया, है भगवान पक्का, सबने प्रार्थना की थी अवतरित हुई, पर भगवान है तो बंधन कैसा, बंधन है तो
फिर वो भगवान कौन से जो अवतरित हुए, यही तो है। अगर यही है तो फिर बंधन कैसा, मैं बंधन काटू, ये बंधन मुक्त हो, बुद्धि संशय में हो गई, ये भगवान बचावे ने बुद्धि संशय में हो जाती है। बड़ा माया का विचित्र खेल है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, इनको संशय हो गया, हरिदास है नित्य श्रीअंग सेवी भगवान की, बहुत विचार कर रहे हैं गरुण जी, करत विचार उरग आराती, व्याकुल होकर, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भगवान है, नहीं भगवान है तो फिर कैसे। बड़ा विचित्र माया का खेल। अम्बाब सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री, भगवान है तो एक अगमृग है मधुकर श्रेणी क्यों, और अगर भगवान नहीं तो भगवान शंकर सर्वज्ञ होकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं, असंशय मन भय। बड़ा विचित्र, इसलिए प्रार्थना करता रहे, हे नाथ ये संशय ना आने पावे, नहीं इसका परिणाम बड़ा भयानक हो जाता है संशय का। बार बार सोच रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा माया मोह पार परमीसा सो अवतार सुन्यो जग माही देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। सुना था कि व्यापक विकार रहित वाणी के स्वामी माया मोह से परे पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, ये वही अवतार है राम रूप में। अगर वो अवतार है तो फिर ये प्रभाव कैसा नागपाश का, बार बार विचार, नहीं वही है, कैसे वो हो सकते हैं। भव बंधन ते छूट ही नर जपि जा कर नाम, खर्व निशाचर बांधे नागपास स्वई राम। अरे जिनका नाम स्मरण करके भवपास से मुक्त होया जाता है, एक राक्षस नागपास में बांध दे प्रभु को, तुच्छ राक्षस, क्या सामर्थ्य भगवान के सामने, भगवान हो सकते नहीं नहीं भगवान। देखो इसीलिए कहते शरण में रहो शरण में, नहीं इतनी विचित्र माया है कि भगवान के वाहन महाभागवत परम ज्ञानी करुण महाज्ञानी गुण राशि गजब हो गया। अब नाना प्रकार से वो विचार करते समझा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है महापुरुषों के सानिध्य में उनकी लीलाओं पर फिर मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है, जीवत्व है ना। दिगंबर हैं, एक वस्त्र से भीषण गर्मी, जहां तुम पैर रखो तो खड़े ना हो सको, बालू ऐसी गर्म हो जाती है, वहां आराम से आनंद से पड़े, शीतलता, सब खुले अंग में सह रहे। वो जो वहां क्यारी लगाते हैं ना गंगा जी या यमुना जी के पावन पुलिनों में, वो ककड़ी खीरा ये सब, वो जाए, ए भैया हाँ हाँ बोलो, साक्षात करपात्री साष्टांग दंडवत होते हैं बड़े बड़े महापुरुष, उनके दल थोड़ी, अरे आप रोज मांगते रहते हो, अभी हमारी वो ककड़ी बिकी तो है नहीं, कहां से थोड़ी, अच्छे अच्छे के दिमाग फेल हो जाए कि बड़े बड़े त्याग वैराग्य वाले जिनको नमन कर रहे हैं, बस समझ में नहीं आता। इसीलिए बस एकमात्र मामे वे प्रपद्यंते माया में, हे नाथ हमें तुम्हारी बात, तभी उपदेश शास्त्रों में किया गया, महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हों वही ग्रहण किए जाएं, सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते, वो कहां कैसे प्रणाम है नमस्कार है। एक हम संत भगवान को देखा, शास्त्र में लिखा है संन्यास में पान नहीं खाना चाहिए, और उनको कोई दोष दृष्टि संशय व्यक्ति से ले देखा, उनकी देखो दिनचर्या हमने देखी, जब नवीन अवस्था थी तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि से, यही दोष दृष्टि के लिए नहीं, कैसे महापुरुष हैं, कैसे इन आचरणों से चलते, तो उनका यह था कि रात्रि के 11 बजे तक जग रहे हैं, जहां सब
सोने के लिए हुए तो सोने का नाटक करते थे, ऐसे लेट जाते चद्दर जहां सब सो गए तहां उठ के बैठ जाते थे। 4 बजे 5 बजे सबके कमंडल बाल्टी खटकने लगी फिर सो गए। 7 बजे उठे सब नहाए धोए अपने दिनचर्या, जब वो उठते तो कोई कोई कहता कैसे संत 7 बजे नहाने जा रहे, 4 बजे नहा चुके थे। जब देखा कि गजब किए का, और दिन में एक केवल आदमी इस बात के लिए रहता था, आधा पान का पत्ता थोड़ा थोड़ा लौंग थोड़ी इलायची से सुपाई रखा, लोग आ रहे देख रहे बाबा पान खा रहे, हर 15 मिनट में 20 मिनट में 30 मिनट घोर वैरागी एकाग्रता से भजन में तन्मय बहरी चेष्टा। एक संत भगवान को देखा 4 बजे से मिलने का टाइम था, और बाहर ऐसे जब तखत में आते तो इतना बड़ा वो उस समय कैसेट वाला टेप चलता था फिल्मी गाना, अब जो सुनता ना तो आधे तो वहीं से पैर लड़खड़ाने लगते, फिल्मी गाना बज रहा है, ऐसे संत के दर्शन करने बैठे और बज रहा बड़ी जोर से बज रहा है, कोई कोई जोर समझने आज बोले सब बाहरी बात हो गई, आप चलो वहां दर्शन करो, बड़े लीला में है, इसलिए दूर से प्रणाम, बस उनके जो वचन से आचरण मिलते हैं वो हमें करें। इन परमहंस अवधूत महापुरुषों की कई कोटि के मान, एक होते आचार्य कोटि के मान, उनका आजीवन एक एक आचरण अनुकरणी आचार्य कोटि, एक होते अवधूत कोटि के अपनी मस्ती में। भगवान शंकराचार्य जी आचार्य हैं, एक दिन जा रहे थे मछली बिक रहे थे, उठाया मछली खाना शुरू कर दिया, कुछ शिष्य जन उन्होंने देखा गुरु जी जब पा रहे हैं तो वो भी आगे बढ़े, तो कांच गलाया जा रहा था, नारियल का खप्पर था ऐसे डाला पी गए कांच, अब जो मछली खाए थे कांच कैसे हो खोलता हो, पीछे मुड़ के देखा और कहा ऐसे किया तो जीवित मछली जो चबा के खाई थी जीवित मछली निकली धारा में, वो तो आधी पाचन तंत्र में फंस गई थी। जो गुरु कर रहे हैं उनकी वो क्रिया जो उनके उपदेश से मिल रही वो करनी है, अन्यथा प्रणाम करना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह मन में नहीं आना चाहिए, प्रभु आप जानो आपकी लीला जाने, हमें जो आदेश है उस आदेश से जो आपके आचरण है वो तो अनुकरणी। ये भगवान श्री सुखदेव जी ने भी कहा कि महापुरुषों के जो उपदेश से आचरण, जैसे भगवान शंकर विष पी रहे तो अपने विष एक बूंद जाए तो मर जाएंगे, और तो यहीं रोक लिया, और यहां एक बूंद पानी नहीं रोक सकते, तो घाटी द्वार में जब जाए कितनी खांसी आती है, और पूरा विष पी गए जो समुद्र मंथन था यहीं रोक लिया नीचे नहीं उतरने दिया, वो शोभा हो गई नीलकंठ भगवान शिव। गरुण जी को भारी संशय हो गया, विचार काम नहीं कर रहा कि भगवान है तो बंधन कैसा, जिनका नाम जप करके लोग भवबंधन से मुक्त हो जाते उनको मैं मुक्त कर रहा हूं, और भगवान नहीं तो हमने सुना है कि भगवान का अवतार इसी रूप में हुआ है, बार 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 अब तो भारी परेशानी पैदा हो गई संशय होने से। नाना भांति मन ही समझावा प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म, अब बहुत खिन्न मन से घूम रहे कोई मेरे संशय का निवारण कर दे, अब नाना भांति मन ही समझावा प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। बार बार गरुण जी विचार कर रहे कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा माया मोह पार परमेशा सो अवतार सुन्यु जग माही देख्यों सो प्रभाव कछुनाही। जो व्यापक है विकार रहित है वाणी के पति है माया मोह से परे हैं परब्रह्म हैं परमेश्वर हैं उनका अवतार है ये मैंने, लेकिन प्रभाव तो नहीं देख रहा हूं ना, एक क्षुद्र निशाचर बांध दिया तो ऐसा महामहिम परब्रह्म पीड़ा को प्राप्त होते हुए नागपाश से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा, और मैं नागपाश से उन्हें मुक्त कर रहा हूं, बड़ा संशय गरुण जी के हृदय में हुआ। अब संशय निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है, संतों की शरण में जाए। तो गरुण महान ज्ञानी भी है, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के अंग सेवी है, देवर्षि नारद जी के पास गए। व्याकुल गयो देवर्षि पाही
कहसी जो संशय निज मन माही, सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जेही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोई, महामोह उपजाउर तोरे, मिटी न बेगी कहे खग मोरे, चतुरानन पही जाहू खगेसा। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करके भगवान की शरण में है, कह रहे कि कोई भी कवि, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जिसे माया अपने अधीन न कर सके। भगवान का प्रभाव ऐसा है जो माया से बचा ले। आज तक कई बार माया की चपेट में आकर मैं नाचा हूं ब्रह्मा जी। देवर्षि नारद जी ने भी ऐसा ही बोला था, जिसने विपुल बार जही मोहि नचावा, कई बार में, एक दो बार नहीं कई बार। अब सोचो, मैंने सारे चराचर जगत को जिनकी कृपा से रचा है, मुझको माया ने कई बार नचा दिया, तो पक्षीराज गरुण को माया व्याप जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। भगवान ब्रह्मा जी तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभु ताई, बैन तेय शंकर पही जाहू, तात अनत पूछहू जनिकाहू। गरुण जी, मेरी राय मानो तो देवाधिदेव महादेव शंकर के पास जाओ, परम वैष्णवाचार्य हैं, और सावधान किसी से इस विषय की चर्चा मत करना, ये बात किसी से मत पूछना, नहीं और फंस जाओगे। एकमात्र देवाधिदेव महादेव जी के समीप जाओ, वही जब कभी कोई प्रश्न, कोई संशय आपके हृदय में हो, तो भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले महात्माओं से ही प्रश्न करना चाहिए, तभी संशय की निवृत्ति होगी। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, तात अनत पूछो जनिका हो, और जगह मत पूछ लेना, नहीं तो फंस सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुण जी महाराज बड़ी व्याकुलता से कैलाश की तरफ पहुंचे। परमातुर विहंग पति आयो तब मो पास, आपके दर्शन प्राप्त है, आपके पवित्र आश्रम का दर्शन करते ही मेरा मोह संदेह भ्रम सब नष्ट हो गया। हे तात, भगवान की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, दुख समूह का नाश करने वाली आप भगवान की कथा सुनाइए हमें। प्रभु, मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, आप हमें भगवान की चर्चा सुनाइए। गरुण जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखद, अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कागभूषण जी के मन में परमानंद और वो भगवान की सुंदर लीलाओं का गान करते हैं। भगवान के पावन चरित्र का श्री कागभूषण जी गान करते हैं, गरुण जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। कागभूषण जी ने संपूर्ण रामचरित्र गा करके सुनाया। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनी सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम छाहा, गयो मोर संदेह
सुन्यु सकल रघुपति चरित भयउ राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। कागभूषण जी ने भगवान की संपूर्ण कथा सुनाई। हे उमा, मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई यही कागभूषण जी ने गरुण जी को सुनाई। कथा सुनकर गरुण जी के हृदय में अपार आनंद हुआ। हाथ जोड़कर कागभूषण जी से बोले कि भगवान श्री हरि के पावन चरित्र को श्रवण करने के बाद आज मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, सारे संदेह मिट गए। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से आज मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया। यदि आप सत्संग सुनते हैं और विषयों में अरुचि नहीं और प्रभु के नाम जप में रुचि नहीं, तो इसका मतलब है या आप सत्संग नहीं सुनते और या सत्संग सुनते हुए कुसंग बहुत जोर का है। ढूंढ लीजिए, नहीं, सत्संग का सीधा फल है संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा बिना ही प्रयास हो भव भंगा। सीधे सत्संग से भगवत चरणारविंद की प्रीति। युद्ध में प्रभु को नागपाश में बंधे देखकर मुझे मोह हो गया था, संशय हो गया था कि यदि प्रभु सच्चिदानंद हैं तो ये बंधन कैसा, ये बंधन स्वीकार किए तो सच्चिदानंद कैसे, इसीलिए मैं व्याकुल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल भगवान के चरित्रों को देख करके बड़े बड़ों के मन में संदेह हो जाता, उमा के मन में भी संदेह हो गया था। आज मैं उस संदेह को अपने लिए बड़ा हितकारी मानता हूं। गरुण जी कह रहे, मैं मानता हूं कि संदेह प्रकट करके मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। यदि मेरे अंदर संदेह ना होता तो आप जैसे महाभागवत का सानिध्य ना मिलता। जैसे धूप से व्याकुल कोई आए तो छाया का सुख अनुभव में आता है, इसी प्रकार मैं संदेह से युक्त होकर व्याकुल हो गया तो भगवान ने मुझे आप जैसे महाभागवत का दर्शन संभाषण ये सौभाग्य मिला। बड़ी विचित्र कृपा भगवान की होती जब भक्त का सानिध्य मिलता है। आज मैं गदगद हो रहा हूं कि मेरे ऊपर हरि की बड़ी कृपा है। गरुण जी महाराज कागभूषण जी से कहते, समस्त शास्त्रों पुराणों का सिद्धांत है, मुनिजन भी यही कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलही परिते ही चितवहीं रामो कृपा करिजे ही, राम कृपा तव दर्शन भयउ तव प्रसाद सब संशय गयऊ। समस्त शास्त्र पुराण और मुनि महर्षियों का मत है कि सच्चे संत का सानिध्य उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान ने कृपा दृष्टि से देख लिया है। श्री राम जी की कृपा दृष्टि से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ और आपकी कृपा से भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ, सारे संदेह नष्ट हो गए। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभूषण जी अश्रु प्रवाह करने